अब हम लोग जा रहे हैं आगरा ताजमहल और बाकी चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि हम लोग लगभग वृंदावन में सारे मंदिर, मतलब सारे तो नहीं, जो मेन मेन है वो हमने कवर कर लिए हैं और हमने गोवर्धन परिक्रमा भी कर ली है, साथ में हम बरसाना भी जाए हैं। तो अब हम लोग आज जा रहे हैं वहाँ आगरा, उसके बाद हम लोग कल जाएंगे मथुरा। वो है हमारी गाड़ी। हमारा वृंदावन में 4 to 5 days का स्टे है, सो उसमें से अभी हमारे 4 days कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा 5th day। इसके बाद कल हम लोग घर वापस जाने वाले हैं। तो आज हमने सोचा कि हमारा आज का दिन फ्री था, हमको कहीं जाना नहीं था एज सच, सो वी थॉट कि हम लोग आगरा भी एक बार जा आते हैं, वहाँ भी देखाते हैं ताजमहल वगैरह, क्योंकि अगर यहाँ तक आए हैं तो फिर वहाँ भी एक बार देखने में क्या हर्ज है। उसके बाद कल हम लोग घर जिस टाइम पे जाएंगे, तो घर जाने से पहले हम लोग मथुरा के और गोकुल के भी दर्शन कर लेंगे वहीं से, ट्रेन में जाने से पहले सुबह सुबह। हम लोग पहुँच चुके हैं ताजमहल के पास, वहाँ से जाना है हमें अंदर। गाइज, मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आप लोग कभी भी ताजमहल घूमने आते हैं, वो भी समर्स के टाइम पे, तो प्लीज़ गलती से भी दिन के टाइम में तो बिल्कुल मत आइएगा। लाइक हम लोग 3 बजे के टाइम पे आए थे, यहाँ पहुँचे थे, एंड इवन 3 बजे के टाइम में शाम को इतना ज़्यादा गर्म था यहाँ, और कुछ एज सच हमारे पास अम्ब्रेला वगैरह भी नहीं था, सो बिल्कुल धूप सर पे लग रही थी एंड सबके सिर दर्द हो चुका था। सो प्लीज़ अगर आप लोग आते हैं तो या तो शाम को 5, 6, 7 बजे के टाइम पे आइएगा या फिर सुबह सुबह आइएगा। ये है गाइस हम लोग अभी ताजमहल में इस वक्त। पत्थर है जो काफ़ी साल पहले बनाया गया था जिसको, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगरा का फेमस पेठा लेने के लिए तो
तो गाइस कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ। पहली बात कि हमने प्रेम मंदिर के पास में रूम लिया था, सो वहाँ से हमको ताजमहल तक डिस्टेंस कवर करने में 1 से 1.5 घंटा लगा बाय टैक्सी, और उसका पर पर्सन कॉस्ट था 750 रुपीज़, आना जाना जिसमें दोनों इंक्लूडेड था। तो हम लोग करीब 2 बजे के आसपास रूम से निकले थे दिन में, तो हम लोग 3-3.5 बजे के आसपास पहुंच गए थे, और फिर शाम को भी हम लोग 5-5.5 बजे के टाइम पे निकले थे वहां से, तो हम लोग अपने रूम पे टाइम से पहुंच गए थे। सो गाइज जैसे ही हम लोग रूम में एंटर करे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक गौ सेवक है, उनका आज जन्मदिन है, सो उसका सेलिब्रेशन अभी हो रहा है। तो जिस होटल में हम लोग रुके हैं वो जो हैं वो भी बहुत बड़े गौ सेवक हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं और उनकी पूरी टीम है, तो ये सब लोग मिलके जो है गौ माता की सेवा करते हैं और आज उनका जन्मदिन है। सभी भाई को धन्यवाद। हाँ जी ताटिया बिच्छू जो ये हमारा प्रेम का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी गौ सेवक हैं सभी आप देख सकते हैं, सभी को दूसरे कैमरे में दिखाना चाहूँगा। चेतन भाई हमारे सभी भाई हैं, युवा हैं, बाबू रोक के ओ मेरा लाला, ये हमारे लाला गोस्वामी जी आ चुके हैं, यादवों की आन बान शान कटवानी भैया तबियत कर लो का, ये हमारे चला चुके हैं आप देख सकते हैं इनको, ये सब क्या बात है, एक ही बात है, तेने खाली मैंने खाली तो गया। आज ताजमहल घूम के आए थे, सो अब हम लोग ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं शाम को 9 बजे के टाइम पे खाना खाने के लिए, डिनर के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सो हम लोग जाते हैं।